तो गाइस पिछले 24 घंटों में आखिर डब्ल्यू में क्या हुआ, आइए देखते हैं इस वीडियो में। रोमरेज इस बार अकेले ही फाइट करेंगे सोलो सिकॉक के साथ या फिर उनका साथ देने वाले हैं जैको फातु। वेल इसके बारे में ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर रोमरेज का साथ देने आ रहे हैं जैको फातु। उसके बाद नेक्स्ट डब्ल्यू में एक और फीमेल रेसलर जो इस बार साइन इन द कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं और इनका नाम है विक्टोरिया। हालांकि गाइस विक्टोरिया पहले भी डब्ल्यू के साथ काम कर चुके हैं और कुछ समय पहले इन्होंने यहाँ पर डब्ल्यू से गायब होकर दूसरे रेसलिंग इंडस्ट्री में फाइट कर रही थी। पिछले 2021 में होने वाले रॉयल रंबल में इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था जिसमें वो पूरी तरह से हार गई थी, एलिमिनेट हो गई थी। उसके बाद नेक्स्ट केविन ओवेन लास्ट टाइम अपना मैच पार्टिसिपेट करना चाहते हैं यहाँ पर जॉन सीना के साथ। उनका यहाँ पर 10 साल का एनिवर्सरी भी होने वाला इस बार 2025 में, वो भी 25 जनवरी को। यहाँ पर देखना यू होगा कि जॉन सीना यहाँ पर इनके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं या फिर नहीं। उसके बाद नेक्स्ट आप ये पिक देख सकते हैं, ये पिक है ब्लड लाइन का जहाँ कुछ समय पहले यहाँ पर रोमेज ने लिया था अपने टीम मेंबर से। और गाइस यहाँ पर आज रोमेज के साथ एक भी रेसलर नहीं है, सारे रेसलर यहाँ पर अपने अलग अलग डायरेक्शन में जा चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट जी उस और रिया रेपली एक दूसरे को यहाँ पर रिएक्ट कर रहे हैं उनके टैटूज को लेकर। अब इनको देखकर साफ यही पता चलता है कि इनके बीच एक न्यू ट्रायंगल यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है, वो भी रिया रेपली और जी उसो के बीच। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ रिया रेपली ने अपने सिग्नेचर मूव्स का नाम बदलकर कुछ और ही रख दिया जिसका नाम है प्रेडजेल पिन। और गाइस ये सबसे खतरनाक मूव्स है इनका। उसके बाद नेक्स्ट आप ये पिक देख सकते हैं, ये पिक यहाँ पर बैकी लिंच और सेथरन का जहाँ एक दूसरे के साथ वो गए थे यहाँ पर म्यूजिक पार्टी अटेंड करने के लिए, वो भी उनका फैंस उनके साथ ये पर पिक लिया है। गाइस यहाँ पर कोडी रोड से किसी ने पूछा कि उनका आखिर फेवरेट वेब सीरीज कौन है, तो उन्होंने बताया कि गेम ऑफ थ्रोन्स। गाइस यहाँ पर कोडी रोड ये भी बताया कि वो एक बार फिर से रिस्टार्ट कर रहे हैं इस मूवी वेब सीरीज को देखने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आर्थुत के बारे में बताया जा रहा है कि वो काफी फेवरेट और काफी पुराने रेसलर है, वो उस समय से 1999 से फाइट कर रहे हैं और 2024 तक। और गाइस तभी से लेकर अब तक यहाँ पर आर्थुत ने काफी कैरेक्टर प्ले रोल किया है पर डब्ल्यूडब्ल्यूई में और इन्होंने काफी कैरेक्टर भी यहाँ पर पब्लिक को हंसाए हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये है हिस्ट्री यहाँ पर रैंडी ऑर्टन का। रैंडी ऑर्टन जब से डब्ल्यूडब्ल्यूई में यहाँ पर एंट्री किए हैं तब से वो मैच पे मैच हारते जा रहे हैं और आप देख सकते हैं प्रीवियम लाइव इवेंट जो कि यहाँ पर कंटिन्यूअसली यहाँ पर हार चुके हैं रैंडी ऑर्टन। अब देखना ये होगा क्या होगा इनके मैच का। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ली मॉर्गन का ऐसा माने को तीसरी बार इस बार रिलेशनशिप में है और देखना ये होगा क्या इस बार भी सफल होता है या फिर नहीं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ट्रिपल एच का इस बार ऐसा मानना है कि इस बार सितंबर में होने वाले दो ही प्रीवियम लाइव इवेंट को यहाँ पर लाइव कराया जाएगा। इसके पीछे का ट्रिपल एच का ऐसा मानना है कि वो अपने यहाँ पर क्वालिटी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं अपने फैमिली के साथ और इस फैमिली की वजह से वो अपने फैमिली मेंबर्स को यहाँ पर क्वालिटी टाइम नहीं दे पाते जिसकी वजह से इस बार सितंबर में दो ही प्रीवियम लाइव इवेंट को यहाँ पर कराया जाएगा। उसके बाद गाइस आज का नेक्स्ट और लास्ट यहाँ पर न्यूज है बैसी ने बर्लिन को लेकर ऐसा बताया जा रहा है कि मैच यहाँ पर फिनिश होने के बाद यहाँ पर एक यहाँ पर फाइट हुआ था जिसकी वजह से यहाँ पर पुलिस आई थी और अरेस्ट कर ली थी पब्लिक को।